खबर सिरोही जिले से है, जहां जावल कस्बे में बाइक सवार तीन बदमाश एक युवक से मारपीट करते हुए पार्सल छीनकर फरार हो गए। पार्सल में सोने चांदी के करीब 20 किलो जेवरात थे। घटना के बाद पीड़ित ने पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गए। लूट की सूचना के बाद पहुंची बरलूर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक जावल में कोरियर व्यापारी शंकरलाल झांसी बस से पार्सल लेकर घर जा रहा था कि तभी तीन बाइक सवार युवक पीछा करते हुए शंकर के पास आए और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लोहे की रॉड से वार करते हुए पार्सल छीनकर फरार हो गए। जावल चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वीर शंकर लाल ने बरलूट पुलिस थाने में इसका मामला भी दर्ज करवाया है। आज सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली कि एक शंकरलाल गांची है, जिन्होंने अहमदाबाद से एक पार्सल मंगवाया था जिसमें चांदी थी। 15-20 किलो चांदी बता रहे हैं, और इस चांदी को पर्टिकुलर बस थी, उसी बस से लेके सुल्तानगढ़ बस थी जो अहमदाबाद से भादराचुन तक जाती है। चूँकि वो बस आई, उसने अपना पार्सल उसके ड्राइवर से प्राप्त किया और पार्सल लेके मोटरसाइकिल आगे बैठ के वो जा रहा था, तो रास्ते में तीन बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल पर वार किया और उसको वो गिर गया, साथ में पार्सल भी गिर गया। और उसमें से पार्सल लेके दो जने भगे, एक का वो पीछे रह गया था, उसने उस पर मिर्ची डालने की कोशिश करी और उसके बाद में वो भी भग गया। सर ये सुबह में क्या हमारे कुरियर का काम है, तो सुबह सर 5:30 बजे सामान आया हमारे बस में, तो मैं जैसे ही लिबास से लेके निकला तो वहाँ से 30-40 मीटर की दूरी में तीन जने खड़े थे, वो अचानक रोड लेके आ गए, उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हमला ही कर दिया, मेरे को गिरा दिया, फिर मेरे पास जो सामान का इकट्ठा था वो लेके चले गए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।